क्रिश्चियन फेथ सेंटर प्रस्तुत करते हैं शांति समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए हम कुछ समय प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताते हैं गीतों के द्वारा। रेवरेंड सुनील मंतोड़े प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति समय में आपका स्वागत है और हम इस सत्संग में प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करने वाले हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना उत्तर लाने वाली, कार्य करने वाली होती है। यह विश्वास, ये भरोसा हमारे जीवन में आया है और वही हम चाहते हैं कि आपके जीवन में ये भरोसा हो कि जब मैं प्रार्थना करूँगा तो मेरी प्रार्थना उत्तर लाएगी। हमने आपको बताया किस तरह से हम अपना समय हर दिन प्रार्थना में समय बिताने के लिए समय अलग किया है और किस तरह से हम
छह बातों के ऊपर हम प्रार्थना कर सकते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर हमें मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने अपना समय अलग किया है तो अपना समय जो है बर्बाद होने वाला नहीं, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं, लेकिन हमारा प्रार्थना जो है वो प्रार्थना एक हथियार जो है जो शैतान के राज्य को तोड़ने के लिए, शैतान के ताकत को तोड़ने के लिए और उसका राज्य बर्बाद करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से हम एक प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। जब तक हमें अपना अधिकार मालूम नहीं होगा, जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, तब तक हम एक पराजित जीवन और एक अपयशी जीवन जिएंगे और हमारा जीवन हमारे लिए एक तकलीफ का कारण होगा, हमारा जीवन लोगों के लिए एक उदाहरण होगा कि देखिए देखो इसका जीवन कैसा मजबूर है, कैसा वो परेशानी में मुश्किल में जीवन जी रहा है। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप और मैं मुश्किल में और एक परेशानी का जीवन जिए, लेकिन हम प्रभु चाहता है कि हम अपना अधिकार जान लें, हम अपना स्थान जान लें कि जिसके द्वारा हम एक योद्धा हैं, हम एक असाधारण व्यक्ति नहीं बल्कि असाधारण कि जो प्रभु के सामर्थ में अलौकिक योद्धा के तरह एक विजय से दूसरे विजय की ओर चलने वाला है। जो सैनिक युद्ध में खड़ा हो जाता है वो जानता है कि मैं किसी तरह से शैतान को मारूंगा और मैं अपने लोगों को बचाव करूंगा। तो जब मैंने आपके लिए आपको बताया था किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, हम परिवार के लिए, लोगों के लिए जो मुश्किल में है, जो बीमार है, जो तकलीफ में, उनको कैसे हम छुटकारा दे सकते हैं, तो हमें ये स्थान पर हमें आना है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा अधिकार है और उसके अधिकार से मैं मेरा अधिकार शैतान के ऊपर, शैतान की योजनाओं के ऊपर मैं इस्तेमाल करने वाला हो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात है हम लोग देखने वाले किस तरह से हमें ये समझ आएगी। ये समझ हमें बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मनुष्य होने के नाते हमारा अधिकार क्या है। आज हमें प्रार्थना योद्धा होने के नाते जब हम खड़े हो जाएंगे तो उस युद्ध में हम विजय होने वाले हैं। तो यही मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि हम जब परमेश्वर के लोग, यीशु को ग्रहण करने वाले लोग, जिसके साथ यीशु है उसका कोई कुछ बाका नहीं कर सकता। यीशु हमें जीवन देता है, यीशु हमें हमारा जीवन बना देता है कि उसके सामने सारे नरक के द्वार, सारे शैतान की ताकत गिर जाएगी, भाग जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे प्रार्थना योद्धा क्यों बुलाया है और मैं प्रार्थना क्यों करूँ, क्यों मुझे प्रार्थना करना है और प्रार्थना के द्वारा उत्तर लेना है, इसलिए हम लोग देखने वाले हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना 5 उसके 26 और 27 वचन में, तो यहाँ पे हमें एक चाबी मिल सकती है कि जिस सवाल के बारे में हमें घेरा है। जब हम सोचते रहते हैं कि क्यों मुझे प्रार्थना करना है, क्यों मुझे प्रार्थना के लिए मजबूरी, क्यों मैं प्रार्थना करूँ, लेकिन बताना चाहते ये मजबूरी नहीं, तो ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार जो है कि जो शैतान ने हमसे छीना है उस अधिकार को फिर से हमें वापस उसे छीन कर हमारा अधिकार इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है प्रभु कहता है यूहन्ना 5:26-27 में प्रभु कहता है कि पिता ने सब अधिकार मुझे दिया है। जो मनुष्य का पुत्र है, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, सारा अधिकार पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे परमेश्वर यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है, वो खुदा का बेटा है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मनुष्य के पुत्र को अधिकार दिया है, सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मनुष्य के पुत्र को दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि यीशु यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन एक मनुष्य का पुत्र होने के नाते वो अपना अधिकार जताता, ये कहता है कि सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है तो हमें ये जानना है कि क्या परमेश्वर का अधिकार वो मेरा अधिकार है। जब शुरुआत की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 उसके 26 वचन में, उत्पत्ति का जो किताब है उसमें पहला अध्याय और 26 वचन में, यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि प्रभु ने हमें एक दैवी योजना में हमें बनाया। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि चलो हम इंसान को अपने समान बनाएं, हमारे प्रतिरूप उसको बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया कि वो अपने स्वरूप हो, परमेश्वर के स्वरूप हो, परमेश्वर के प्रतिरूप में उसको बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग आज बहुत सारे योजना ला रहे हैं कि
एक बंदर से आदमी आया है या मच्छी से आया है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला है उसने इंसान को बनाया, उसके प्रतिरूप में बनाया। लेकिन आज इंसान भूल गया मैं कौन हूँ। तो मनुष्य जो है परमेश्वर की सबसे बड़ी हस्तकृति है जो अपने हाथों से उसने बनाया है। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी में से बनाया लेकिन उसमें अपना प्रतिरूप, अपना श्वास डालकर उसको प्राणी बनाया, जीवित प्राणी बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कहता है कि मैं उसको बनाऊंगा जो हमारे जैसा होगा और उसका सारा अधिकार जो है वो मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे इस वचन में कि प्रभु कहता है कि हम अपने स्वरूप इंसान को बनाएंगे और उसको सारे सृष्टि का अधिकार देंगे कि जो अधिकार उस सारे जगत के ऊपर इस्तेमाल करेगा। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 8:4-6 में कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता तूने इंसान को जो तुझसे छोटा सा कम किया है और उसको सारा अधिकार दिया है। तो प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू जो इंसान बनाया वो इंसान तेरे हस्तकृति है। सबसे अच्छी हस्तकृति जो है परमेश्वर की है, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को, आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया ताकि हम अधिकार इस्तेमाल करें, सब परमेश्वर की सृष्टि को अपने नियंत्रण में लाए, उसके ऊपर नियंत्रण करके हमारे काबू में आए, हम अपना अधिकार बनाएं। ये परमेश्वर की योजना है। जब प्रभु का वचन कहता है जैसे हमने देखा भजन संहिता 8:4-6 में, और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है ताकि जो भी हमारे हाथ में जो भी सृष्टि है उसके ऊपर हम अपना राज्य और अपना अधिकार प्रस्थापित करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु का वचन कहता है इब्रानी उसका 2:6-8 में प्रभु का वचन कहता है पिता परमेश्वर तू इंसान के बारे में सोचता है, इंसान जो क्या तू उसके बारे में सोचता है, तो क्योंकि तूने उसको गौरव और महिमा का मुकुट पहना हुआ है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे ये जो पवित्र वचन है, पवित्र वचन अद्भुत वचन है जो हमें दिखा रहा है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें नियंत्रण करने की ताकत दी है, परमेश्वर ने हमें गौरव और महिमा का मुकुट पहनाया है। तो आज हमने पापों की वजह से हमने अपना अधिकार खोया है और प्रभु के पवित्रता से हम दूर हटे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने उसकी योजना आपके लिए और मेरे लिए, मनुष्य के लिए बनाई, जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसकी इच्छा के अनुसार वो अपनी इच्छा बदलता नहीं। जैसे हम लोग स्थिति के अनुसार जो आजू बाजू हो रहा है उसके अनुसार हम बदलते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो बदलने वाला नहीं, वो हमेशा हमेशा जो है वो है, जो आने वाला है परमेश्वर हमेशा का परमेश्वर, कभी बदलता नहीं। और उसने जो सोचा है, उसने जो बोला है, वो उसमें कभी बदल करने वाला नहीं। तो जब प्रभु यीशु ने, प्रभु का वचन कहता है रोमियो 11:29 के अनुसार कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम पापों का तौबा करें और हमारे जीवन में फिर से वो अधिकार को प्राप्त करें। तो प्रभु हमें फिर से वो अधिकार देना चाहता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब अपने गुनाहों का हम तौबा करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आदम और हवा ने पाप किया, उसके वजह से उन्होंने अपना अधिकार खोया। मनुष्य को देखता है कि मनुष्य ही आज सारी धरती का, सारी सृष्टि का अधिकारी है, राजा है, जो सर्व सब सत्ताधारी। परमेश्वर मनुष्य को यही देखता है कि मैंने इंसान के लिए ये धरती बनाई, ये सृष्टि इंसान के लिए बनाया, लेकिन उसने पाप भी किया, फिर भी मैं उसका अधिकार मैं मानता हूँ, उसका अधिकार है। जो भी वो पृथ्वी पर करेगा वो स्वर्ग की इच्छा के अनुसार हो सकता है। तो हम लोग जो है परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है हम पृथ्वी ला सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति के किताब में 3 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया वहाँ पे शैतान आया और उसने आदम और हवा को फंसाया। तो आदम पाप करने के द्वारा अपना अधिकार खो चुका, जो नियंत्रण उसका सृष्टि के ऊपर था, धरती के ऊपर था, जानवर के ऊपर था, पक्षियों के ऊपर, पानी में तैरने वाले जो जंतु है उसके ऊपर प्रभु ने आदम को अधिकार दिया था। सारा अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को, मनुष्य को दिया था। लेकिन प्रभु वचन कहता है 1 तिमोथी 2:14 के अनुसार कि आदम ने वो जो फल खाया, जो नहीं खाना था, उसको कहा था कि फल न खाना, लेकिन उसने चुना परमेश्वर के विरुद्ध जाने का, परमेश्वर का आज्ञा का भंग करने का, परमेश्वर का आज्ञा न मानने का, जो पाप किया उसके वजह से क्या हुआ, सिर्फ एक फल था,
लेकिन वो फल जो था उसके पीछे परमेश्वर की आज्ञा थी। वो फल था लेकिन उसके पीछे परमेश्वर उसकी परीक्षा लेने वाला था कि ये मेरा आज्ञा का पालन करता है या नहीं। लेकिन आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, उसने आज्ञा तोड़ी और उस फल खाया और उसके वजह से मनुष्य में पाप आया और उसके वजह से मनुष्य में पाप आने के द्वारा मृत्यु आ गई। मृत्यु जो है जब शैतान का हाथ का हथियार है कि जो सारा जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, लेकिन जब मनुष्य मृत्यु की वजह से पाप की वजह से मृत्यु का गुलाम बन जाता है, मृत्यु के द्वारा शैतान सारे इंसान को बंदी बना देता है। क प्रभु के वचन यहाँ पे है रोमियो 5:12-17 में कि मृत्यु के द्वारा शैतान जो मृत्यु के द्वारा आज मनुष्य जाति पर धरती पर राज कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस आदम ने एक व्यक्ति ने पाप किया उसकी वजह से सारे मानव जाति पापी हो गए। हम आज जब पैदा होते हम पापों में पैदा होते, तो आदम की वजह से सारी मानव जात पापी बन गई। तो इसलिए इब्रानी 2:14 के अनुसार कि जो शैतान जो है उसको मृत्यु का अधिकार है, इसलिए आदम से लेकर आज तक जो भी इंसान पैदा होगा वो मरने वाला है, क्योंकि मृत्यु का अधिकार जो है शैतान के हाथ में है, क्योंकि पाप की वजह से मृत्यु उसका गुलाम है और मृत्यु के द्वारा वो इंसान के ऊपर राज्य कहता है। वह प्रभु का वचन कहता है इब्रानी 2:14 के अनुसार यहाँ पे है कि यीशु मसीह आया है ताकि शैतान के सारे बंधन को, सारे शैतान का जो मृत्यु का बंधन है, नियंत्रण जो है, उस नियंत्रण को तोड़े और इंसान को स्वतंत्र करे। आज प्रभु यीशु जो आया है कि यीशु के द्वारा हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि यहाँ पे रोमियो 6:16 के अनुसार यहाँ पे है कि एक के द्वारा मृत्यु आ गई लेकिन यीशु के द्वारा पवित्रता और धार्मिकता आई है। इसलिए प्रभु धन्यवाद है कि आदम और हवा ने जो अधिकार जो था, जो राज्य था वो खोया, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा फिर से हमें वो अधिकार मिल सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि शैतान ने मृत्यु के द्वारा सारा अधिकार अपने हाथ में लिया था। इसलिए जो भी इंसान पैदा होगा पाप की वजह से वो मरने वाला है और मृत्यु उसको खाने वाली है। तो जब हम इसके बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह जो है वो मनुष्य का पुत्र है, लेकिन वो पाप के अंदर नहीं, क्योंकि वो जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो मरिया के द्वारा इस दुनिया में आया जो कुंवारी थी, क्योंकि उसका जो मेल मिलाप था उसके पति के साथ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा यानी प्रभु यीशु ने उसके पेट में जन्म लिया और मनुष्य का पुत्र बन गया, लेकिन वो यूसुफ का बेटा नहीं था, इसलिए उसके ऊपर पाप का अधिकार नहीं। तो जो यीशु जो है वो यीशु पवित्र है और पवित्र होने के नाते वो हमारे लिए सारे मोह के ऊपर उसने विजय पाया। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि शैतान ने जब उसको उसकी परीक्षा ली, उसको मोह में डालने की कोशिश की, तो प्रभु यीशु ने सारे मोह के ऊपर विजय पाया है। इसलिए जैसे प्रभु वचन कहता है मत्तै उसके 4:8-9 वचन के अनुसार कि जो शैतान ने, शैतान का राज्य था, उसको प्रभु यीशु ने फिर से अपने हाथ में ले लिया। तो प्रभु का वचन जो है हमारे लिए कि जब हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, शैतान ने उसको परीक्षा ने कहीं कहा कि तू मेरी आराधना कर, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर जो है वही जो है आराधना के लायक है। शैतान हमें मोह में लाएगा, परीक्षण लाने की कोशिश करेगा कि हम उसके सामने झुक जाए, उसकी आराधना करें, लेकिन यीशु के द्वारा हमने अधिकार दिया शैतान को हमारे पैरों के तले कुचलने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। तो आज हम इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं कि प्रभु का वचन जो है, प्रभु का वचन हमें दिखाता है कि यीशु मसीहा जो मनुष्य का पुत्र है वो अज्ञाकारी होकर, नम्र होकर, सारे नियमों का पालन करके वो अपने जीवन से लोगों के लिए आशीष का कारण बना। तो इसमें बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु का जो अधिकार जो है वो परमपिता परमेश्वर से, उसके पिता के द्वारा उसको अधिकार प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो अधिकार, जो सत्ता आदम ने गवाई थी, जो आदम के पापों की वजह से खोई थी, तो प्रभु यीशु ने फिर से वो उस अधिकार को, उस सत्ता को, शैतान को, मृत्यु को अपने पैरों के तले कुचल कर अधिकार अपने पास लिया। इसलिए हम प्रभु धन्यवाद देते कि मनुष्य का पुत्र होने के नाते प्रभु यीशु ने वो उस अधिकार को फिर से अपने हाथ में लिया। इसलिए इब्रानी 2:14-16 में प्रभु वचन कहता है कि जो परमेश्वर का पुत्र है, वो जो मनुष्य का पुत्र है, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण काम करता है
कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बना, और बाय जैसे उसके मनुष्य होने के नाते उसने हमारे सारे मोह को, हमारे सारे परीक्षा को, हम जो हमारे जीवन में आते उस परीक्षा के ऊपर विजय पाया, हर मोह के ऊपर विजय पाया। वो शैतान का गुलाम नहीं बना, न शैतान के चालों में फंस गया, लेकिन शैतान के हर चालों के ऊपर उसने विजय पाया। और उसके द्वारा प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र होने के नाते हमारे लिए एक उदाहरण बना, वो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र बनकर उसने हमें पापों से और मृत्यु से और शैतान के सारे सत्ता से हमें छुटकारा दिया है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो है कि परमेश्वर की इच्छा का हम अनादर नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के वचन को हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो इच्छा बनाई है, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, वो योजना आपकी भलाई के लिए। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है कि मेरा जो अन्न है वो मेरे पिता का काम करना, मेरे पिता की इच्छा के अनुसार काम करना मेरा खाना और पीना है। तो जब हम यीशु की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार करेंगे तो हमारा जीवन जो होगा सत्ता का होगा, हम अधिकारी होंगे और हमारा जीवन विजय का होगा। इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 5:27 में कि प्रभु यीशु ने जो अधिकार पुत्र को दिया है वो अधिकार इसलिए है कि जो मनुष्य का पुत्र है वो अधिकार का इस्तेमाल करके शैतान की चालों को तोड़ सके। तो प्रभु वचन कहता है तो इसलिए मनुष्य का पुत्र होने के नाते, जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र बना, इसलिए मनुष्य का पुत्र को मरना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ही मनुष्य के पापों के लिए बलिदान हो सकता है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के लिए बलिदान नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे लिए मरना जरूरी समझा। इसलिए प्रभु वचन कहता है यह कि प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान के ऊपर विजय पाया। जब प्रभु यीशु सूली पर लटक रहा था, शैतान को लगा कि मैं विजयी हो गया हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र को मैंने मार डाला है। उसने परमेश्वर के पुत्र को नहीं लेकिन मनुष्य के पुत्र को मार डाला, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ही मनुष्य के पापों के लिए एक अपना जीवन दे सकता है और एक हमारे बदल में वो अपने और अपने सारे मनुष्य का गुनाह ले सकता है। प्रभु यीशु का मरना जरूर है क्योंकि मनुष्य के लिए। मैं जो हम लोग बताना चाहते हैं कि हम प्रार्थना युद्ध क्यों बन रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है मनुष्य का पुत्र है और मनुष्य होने के नाते उसने हमें अधिकार दिया है। किस तरह से उस मृत्यु के द्वारा हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं, आने वाले दिनों में हमें देखेंगे कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्यों प्रार्थना योद्धा हैं, क्यों हम अपने अधिकार को शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना युद्ध होने के नाते हम आत्मिक युद्ध में शैतान को विजय पा सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में जो भी हो रहा है शैतान की योजना जो है आपको बीमार करने की, आपको जो है छीनने की, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो अधिकार प्रभु यीशु ने दिया, प्रभु का अधिकार जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है उसने हमें दिया है। उसने कहा जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मेरे नाम से तुम लोगों को चंगा करो। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु लोगों को चंगा करता है। हम आपके लिए प्रार्थना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। विश्वास करिए, जहाँ भी आपका दर्द है या अपने दिल के हाथ रखें और मेरे साथ बंधने, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे शैतान के सारे बंधन को आपके जीवन से तोड़ देंगे और चंगाई और स्वास्थ्य हम कबूल करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते कि जो अधिकार आप मनुष्य का इस पृथ्वी पर, धरती पर वो समझते हैं, आज ही आप उसका आदर करते हैं। और उसी अधिकार से जो यीशु ने अधिकार हमें दिया, उस अधिकार से सारी बीमारी, सारी मुश्किलें, सारी दिक्कतें, सारे बंधन, शैतान योजनाओं को हम तोड़ देते हैं। और प्रभु, आपके मार खाने से जो चंगाई मिली, वो चंगाई को उनके जीवन में कबूल करते। इसी समय आपने लोगों को छुआ, चंगाई दी, घरों में शांति दी, पति पत्नी का रिश्ता फिर से जोड़ दिया है, माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता जोड़ दिया, शांति और आनंद दिया। धन्यवाद देते और मेरी प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विश्वास करते जो वचन आप और हम लोग सीख रहे और उसके असर अमल कर रहे हैं, उसका अनुभव हमें मिल रहा है। इसी से प्रभु ने आपको छुआ है, जांच लो, बीमारी चली गई, आपको प्रभु ने स्वास्थ्य दिया है और आप अधिकार इस्तेमाल करने वाले, शैतान को नीचे गिराने के लिए, शैतान की योजना तोड़ने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करते। हम चाहते कि आप आत्मिक रूप से बढ़े और शैतान को आपके जीवन से, आपके परिवार से भगाएं और शांति का जीवन जिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, फिर से मिलेंगे नए वचन के साथ, प्रभु की उपस्थिति के साथ। यीशु की शांति आपके साथ हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन।
हमारा विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हो। प्रभु यीशु की उपस्थिति आप पर बनी रहे। हमारा पता है, क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है, क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantode.sunil@gmail.com।